गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? यस, यू ऑल आर फाइन। लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 2, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हमने सब कुछ रीड किया और सारा चैप्टर हमने क्या किया, अच्छे से लर्न किया है। और उसका सेक्शन 1 हमने ऑलरेडी वीडियोस में आपको मैंने सॉल्व करके बताया, सारे ऑल फिलअप्स, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह, आंसर इन वन वर्ड, राइट? नाउ कंटिन्यू विद सेक्शन 2। इन सेक्शन 2 एफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं सोचते हैं आंसर्स क्या होंगे, वन वर्ड टू वर्ड या छोटे छोटे आंसर्स होंगे। तो आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको क्या करना है, थिंक करना है इसका क्या आंसर होगा, ओके? और मेरे साथ में सारे आंसर्स और क्वेश्चंस आप क्या करोगे, रिपीट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, राइट? मैंने आपको बताया सर्टेन ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ना। तो आंसर इज सर्टेन ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। सब ऑर्गन्स एक साथ में टुगेदर मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, राइट? सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑर्गन लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में कौन सा ऑर्गन होता है? यस, हार्ट। हार्ट हमारे लेफ्ट में होता है ना। हार्ट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। हार्ट का लाइज कर रहा है लेफ्ट साइड में। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज ब्लड कैरीड थ्रू टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कैसे पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंचता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड इज कैरीड थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड वेसल्स। और कहां पहुंच रहा है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, राइट? आ रहा है समझ में? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डोम शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट बिलो अवर लंग्स। हमारे लंग्स के नीचे जो डोम शेप्ड ऐसे डोम शेप ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या होता है? यस, लंग्स के नीचे वाला ऑर्गन क्या होता है, नेम उसका? डायफ्राम। डायफ्राम इज द डोम शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट बिलो अवर लंग्स। नाउ लास्ट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉल्यूटेंट, राइट? पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं? द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट गेट एडेड टू अवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं, उन हार्मफुल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। और उससे क्या क्रिएट होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ओके? आई होप बच्चों आपको ऑल फाइव क्वेश्चंस आए होंगे समझ में। इसको आपको क्या करना है, ऑल फाइव क्वेश्चंस का आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी और आपको गुड हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्या करना है, कॉपी में